Namaskar, good evening. Welcome to Tata Ace Gold presents Zindagi ke Crossroads. Bachpan ne, sabhi ne cricket to khela hoga. Yes. Sab ne khela hai na? Yes. To ab ye aaj ki jo kahani hai, ye puri tarah se cricket se judi hui to nahi hai, lekin ha, cricket is kahani ka bahut bahut bada hissa hai. Aaj ki kahani ek cricket coach aur uske students ke bare mein. और आपको तो पता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारा देश तो ऐसा है जहां टीचर्स पूजे जाते हैं. हमारे देश में जहां सचिन तेंदुलकर और साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ियों को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, वहीं उनके कोचेज रमाकांत अचरेकर और पुल्लेला गोपीचंद को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. आइए देखते हैं नागपुर के क्रिकेट कोच विक्रांत और उनके स्टूडेंट्स की कहानी. म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन क्लब बना के रखा है? सुग्रीव क्या था ये? हा? कौन सा ड्राइव था ये? सर स्ट्रेट ड्राइव था सर. तोहीन कर रहे हो तुम एक क्लासिक ड्राइव की. पता है स्ट्रेट ड्राइव किसे कहते हैं? देखना तुम्हें जितेंद्र सर. यस सर. गो एंड शो मी स्ट्रेट ड्राइव. यस सर. आओ. परफेक्ट. क्या हुआ अब कोई ताली नहीं बजाएगा? इसे कहते हैं स्ट्रेट ड्राइव. बैट कोनी घुटना स्ट्रेट सब एक लाइन में. जो शॉट जीटू ने लगाया तुम भी लगा सकते थे लेकिन नहीं लगा पाते. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा के पैसों ने तुम्हें कंफर्ट दे दिया है, आलसी बना दिया तुम्हें. अरे जितेंद्र को देखो, वो कितनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने परिवार का पेट भी पालता है और फिर भी यहां प्रैक्टिस पर आकर अपना 100% देता है पूरी सिंसियरिटी के साथ. क्रिकेट क्रिकेट साधना है, एक इबादत है. अगर तुम्हें नहीं खेलना तो मत खेलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहां से. I'm sorry, sir. Footwork, footwork. Get it right, get it right. Yes, sir, I will. Go, you can do it. तुम फिर यहाँ आ गए. तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को और अब ये बच्चियों को भी लिया साथ. साहब हमारा जीतू. अरे जीतू खेल रहा है, खेलने दो उसे, अच्छा खेलता है वो. साहब जीतू कमाएंगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? दो बच्चियां भी हैं, इनका भविष्य का क्या? ये रोना मेरे सामने बंद करो. हाँ जाओ यहाँ से. चलो जाओ जाओ तुम जाओ बेटा तुम लोग जाओ. हाँ अच्छा सुनो इधर आओ. ये पैसे रखो और रास्ते में इन बच्चियों के लिए कुछ खरीद लेना. ये जीतू एक दिन इंडिया खेलेगा और जिस दिन इंडिया खेलेगा ना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी. बस थोड़ा पेशेंस रखो. सच में आज का प्रैक्टिस अच्छा था. कल भी जल्दी आना है. चल यार मुझे एक नया बैट खरीदना है.
विक्रांत सर जी घर पे हैं? कौन है, आ जाओ। अरे सोनी। हाँ विक्की मेरे यार, की हालत रहा? अरे भाई, जिन्हें हम टीवी में एक्सपर्ट के रूप में देखते हैं, आज साक्षात हमारे घर में है? और देख क्या रहा है? पोहा बना रहा हूँ, खाएगा गरम गरम? और तू खिलाएगा तो जरूर खाएगा। तो बस बैठ, फिर दो मिनट में अभी लेके आता हूँ। कमाल है भाई। देख लो पापा जी, इतने सालों बाद भी वही स्वाद है ना। बिल्कुल वही यार, बिल्कुल वही। बड़ा बुरा लगता है यार तुम्हें ऐसा देखकर। तुम तो क्रिकेट के वो क्या कहते थे अपने आचरेकर सर? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। ओ तुम तो क्रिकेट के कुतुब मीनार थे। पर ये राजनीति ना साली ऐसा दलदल है, आईफल टावर भी निकल जाए। बुरा लगता है यार। क्यों बुरा लगता है भाई? मुझे टीम से निकाला गया, लेकिन क्रिकेट तो मेरे अंदर से नहीं निकाल पाया ना। और क्रिकेट रूह है मेरी, और ता उम्र मेरे साथ ही रहेगी। और बस रूह ही रह जानी है तेरी, ऐसे दिवालिया बन के ना जिंदा तो बच नहीं पाएगा तू। हाँ यार, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, और अब तो स्टाफ भी मुझ पर ही डिपेंडेंट है। तो फिक्र मत कर, अब एक काम की बात सुन। क्रिकेट बोर्ड का मेंबर होने के नाते कई प्लेयर्स मैंने अंडर 19 इंडियन स्क्वाड में सिलेक्ट किए हैं। अच्छा? हाँ, इस बार नागपुर से एक प्लेयर की परमिशन मैंने ले ली है। क्या बात कर रहा है? और तुम्हारी एकेडमी के सबसे बेस्ट प्लेयर को मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं कल ही तुझे एक बैट्समैन से मिलाता हूँ, कमाल खेलता है वो। ओ ग्रेट, पर कल तो मैं हूं नहीं यहाँ। तो फिर कैसे करेंगे? ओ तू टेंशन ना ले यार, आई टोटली ट्रस्ट यू। तू बस प्लेयर बता और वो टीम में होगा, बस उसे मुंबई ले आ यार, अंडर 19 खेल रहा है वो। तू सच कह रहा है? और डन है यार, डन है। चल अब मैं निकलता हूँ। मैं छोड़ के आता तेरे को। चल भाई चल, खुश है? बहुत बढ़िया बात। बॉल पे। अरे आइए सर। काफी अच्छा मैच चल रहा है। हाँ सर, लास्ट ओवर चल रहा है, 12 रन चाहिए जीतने के लिए। ओह गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से बैंक ने हमें यहाँ खेलने की इजाजत दे दी। कैसे खेल रहा है मेरा बेटा सुग्रीव? बहुत अच्छा ऑलराउंडर है सर। 4 विकेट ले चुका है, 5 विकेट हॉल में बस एक की कमी है। अगर ऐसे ही मेहनत से 2-3 साल और लगेगा ना, तो इंडिया की जर्सी पहन लेगा ये भी। और वो लड़का कैसे खेल रहा है? ये जीतू कमाल का बैट्समैन है सर। बहुत गरीब परिवार से, लेकिन टैलेंट देखो भरपूर है इसमें। तो इसलिए आप उसे अंडर 19 स्क्वाड में भेज रहे हो। सर दुनिया बड़ी छोटी है विक्रांत सर, और ये शहर तो बहुत ही छोटा। कल छोटी तुम्हारे घर आया था ना, मैं जानता हूं कि नागपुर कोटा में तुम्हारा एक प्लेयर जा रहा है, और कौन जा रहा है ये भी जानता हूं। ये तो हुनर पर डिपेंड करता ना सर, और इसमें हुनर कूट कूट के भरा है। हुनर का तो ठीक है विक्रांत सर, लेकिन सपनों का क्या करेंगे? हर इंसान अपने सपने साकार करने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। क्या है विक्रांत सर, आजकल हमारे देश में क्रिकेटर को जितनी इज्जत मिलती है ना, उतनी ना ही किसी फिल्म स्टार को मिलती है और ना ही किसी पॉलिटिशियन को मिलती है। और ये इज्जत मैं अपने बेटे को देना चाहता हूं। कैसे होगा ये? आप मेरा जमीर खरीदना चाहते? तौबा तौबा विक्रांत सर, ये आपने कैसी बात कर दी? भला मैं गुरु की कीमत कैसे लगा सकता हूं? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपकी ये एकेडमी कभी भी बंद ना हो। सर आराम से विक्रांत सर, आराम से सोच लीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक जितेंद्र के लिए कल के 10-20-50 जितेंद्र के भविष्य पर ताला नहीं लगने देंगे, और आपकी एकेडमी को भी ताला नहीं लगने दोगे। एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी विक्रांत सर। क्या है, जितेंद्र को तो अगले साल भी मौका मिल सकता है, लेकिन शायद आपकी एकेडमी को नहीं मिल सकता है। सोच लीजिए, एकेडमी भी आपकी है और
फैसला भी आपका। तो ये है विक्रांत की पहली क्रॉस रोड। किससे शुरू करें? सर। हाय, आपका नाम? मेरा नाम गुरदीप सिंह मथारू है। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। बोलिए। मुझे लगता है इस कोच को ले लेना चाहिए चेक। क्यों? क्योंकि बैंक का नोटिस आया तो उसको मदद मिल जाएगी पैसों की। ओके सर। एक मिनट, कोई यहाँ पर है इस वक्त जो ऐसे नहीं सोचते? जो हाँ, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरा नाम रहमुद्दीन शेख है। हाँ जी। मैं मुंबई से हूँ। ओके। मुझे लगता है वो चेक नहीं लेना चाहिए कोच को, क्योंकि मैं खुद एक रग्बी इंडिया टीम का कोच हूँ, इंडियन वुमेन्स टीम को कोचिंग करता हूँ मैं। ओके। भले परिवार कैसा भी हो उनका, उनसे मुझे लेना देना नहीं होता है। मुझे लेना देना होता है जो बच्चे हैं वो परफॉर्मेंस कैसा करेंगे और इंडिया को मेडल कैसा देंगे, मेरे दिमाग में ये होता है। तो मैं जो टैलेंटेड है, मैं सिर्फ टैलेंटेड बच्चों को ही ध्यान में देखता हूँ। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा डिफिकल्ट डिसीजन आया है? मैं भी स्लम्स एरिया में रहता हूँ। हाँ। तो ऐसे ऑफर मुझे भी आते हैं। ओके। लेकिन उस ऑफर को अगर मैं देखूंगा तो फिर इंडिया पीछे हो जाएगा। तो मुझे देखना है सिर्फ इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा। वेल सेड, वेल सेड। क्या बगल में आपके स्टूडेंट्स बैठे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखा, मेरा गैस अच्छा था। तो आप जरा माइक लीजिए प्लीज। हाय। हाय। आपका नाम? सारा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अगर वो पैसे लेगा तो टैलेंट को कौन देखेगा? हुनर पीछे रह जाएगा अगर पैसा लेंगे तो। वो उनको चांस देते हैं वो गरीब को, तो वो गरीब भी पैसा कमा के उनको भी दे सकता है। वो भी उसका एकेडमी खोल सकता है और उनको ही कोच बना सकता है। सी, वेरी वैलिड पॉइंट। हाय, आप कौन? मैं जसपाल सिंह हूँ, फ्रॉम जमशेदपुर। ओके, आप बोलिए। आई एम माइसेल्फ अ प्लेयर। यू आर अ प्लेयर ऑफ? या, आर्चरी। ओके। स्मार्ट कोच अगर होगा तो वो पहले देखेगा कि मेरे को अपना एकेडमी कैसे बचाना है, बिकॉज इफ द एकेडमी इज देयर देन ओनली प्लेयर्स तभी रहेंगे। और कोच को उस समय डिसीजन ये लेना चाहिए कि हमको बेस कैसे बचाना है, बिकॉज अगर हमारे पास ग्राउंड नहीं रहेगा, हमारे पास एकेडमी नहीं रहेगी, तो हम प्लेयर्स कहाँ बनाएंगे? अगर वो नहीं लेता या कल को जो भी रिच मैन है वो किसी और को दे देगा, वो उसके एकेडमी में प्रॉब्लम करेगा, वो होने नहीं देगा। पैसे अगर हैं आपके पास तो इंडिया में स्पोर्ट्स इज वेरी इजी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है आपका? यही कि प्लेयर्स आ नहीं पा रहे ऊपर में। जो प्लेयर एक बार बन जाता है वही रहता है। 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक एक ही प्लेयर खेले जा रहा है, इंडिया खेले जा रहा है। देयर इज नो चेंज। हमारा सिस्टम इज वेरी वीक। जब आप बात कर रहे थे, हमारे रग्बी कोच कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं पैसे में पीछे हूँ, लेकिन जो मेरा टैलेंट है वो मेरा बहुत आगे है। मेरे टैलेंट से इंडिया को मैं आगे लेके जाऊंगा। एक टाइम तो ऐसा था कि इंडिया रग्बी में बहुत पीछे था, तो जब मैं कोचिंग में आया तो हर चीजें परफेक्ट होने लग गई। मैं लाओस गया था इंडिया टीम को लेकर, तो वहां पर इंडिया टीम सेकेंड आई थी, जो कि इंडिया कभी रैंकिंग में नहीं थी। क्यों? मैं कोच हूँ और प्लस मैं सिलेक्टर भी हूँ। तो सिलेक्टर भी हूँ मैं इसलिए क्योंकि मैं फेयर डिसीजन लेता हूँ। ओके। और कौन क्या शेयर करना चाहेगा? सर, ये चेक नहीं लेना चाहिए। He's your coach. एक सेकंड। तो अभी प्लेयर ने बोला भाई ले लेना चाहिए। आप कोच कह रहे नहीं लेना चाहिए। आप लोगों के बीच में शायद प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ सर, प्लीज बोलिए। एज अ कोच, कोच का बहुत एक गरिमा होता है, जो डिजर्व कर रहा, जो प्लेयर अच्छा है उसको हम दबा के ये पैसा लेते हैं तो ये बहुत बड़ा इंसल्ट होता है। यदि हम सपोर्ट करते हैं और उस प्लेयर को अच्छा, यदि धोनी लेवल, इस लेवल के यदि खिलाड़ी बन जाता तो इस तरह का बहुत सारा अकेडमी तैयार करके और ये जितने भी खिलाड़ी है उसको आगे बढ़ने में वो काम कर सकते हैं। ओके। हाय, इनको जरा माइक दीजिए। मैं भक्ति, राजस्थान से हूँ। ओके, आप क्या शेयर करेंगे? चेक ले लेना चाहिए। क्यों?
क्योंकि एकेडमी जो है वो एक मंदिर के समान है, तो मंदिर को बचाना तो जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको वो अच्छी शिक्षा दे सके। अगर सचिन का गुरु आज पैसा लिया होता तो आज सचिन को हम इंडिया में भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसा टैलेंट नहीं होता। बस इस वक्त इतनी सारी चर्चा के बाद अब कौन कौन है जो अभी भी चाहता है कि वो चेक ले? बाप रे, इनके तो दो हाथ ऊपर हैं। एक मिनट, उनको जरा माइक दीजिए। सर आप दोनों हाथ ऊपर करके इतने, मतलब मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल होना चाहिए आज के दौर में। ओके, आप एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ? जी जरूर। द ग्रेट अलेक्जेंडर सबने सुना होगा, हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, महान सिकंदर। तो वो जब शिष्य थे तब वो अपने गुरु के साथ कहीं जा रहे थे, तो बहुत दुर्गम रास्ता था, तो जहाँ ऐसा पोर्शन आया कि वो रास्ता क्रॉस करना मुश्किल है, तो वहाँ उन्होंने गुरु को रोका, बोला मैं आगे चलता हूँ। गुरु तब तो कुछ नहीं बोले, फिर जब सलामती तक पहुँच गए तब गुरु ने नाराजगी से बोला कि मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं आपके अनुसार चलूँ ये तो सही नहीं है। तब सिकंदर ने बोला कि गुरु अगर खतरा था तो मुझे ही पहले लेना था, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप गुरु हैं, एक सिकंदर नहीं है तो आप दूसरे कई सिकंदर तैयार करेंगे। यहाँ हमारी इस फिल्म में भी यही है, अगर ये अपने कोच हैं विक्रांत, उनकी एकेडमी है तो उनके कई जीतू मिलेंगे, लेकिन एकेडमी नहीं रहेगी तो दूसरा जीतू कहाँ से आएगा? ओके, तो आप वो सिकंदर का दे रहे बोल रहे थे ना एग्जाम्पल, वो कवाली सुनी होगी शायद आपने, याद रख सिकंदर के हौसले बोहाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। उस स्टोरी का मोरल लेना है हमें कि किसी तरह एकेडमी बच जाए तो ये जो जीतू है ये भी आगे बढ़ेगा और बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट है उसमें से भी अच्छे 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 प्लेयर्स निकलेंगे। अभी इन्होंने कहा कि अच्छे प्लेयर्स दोबारा बन जाएंगे, जो अच्छा बना हुआ है उसे तो आगे नहीं कर रहे हो कल फिर से कोई। क्योंकि अगर एक बार जमीर बिक गया तो दोबारा भी बिक सकता है, तो फिर अच्छे प्लेयर्स कैसे बनेंगे? अभी जो सिचुएशन है वो हमेशा रहेगी क्या? जब एक बार पैसा आ गया, बैंक की जो कर्जा है चुका दिया, उसके बाद एकेडमी को उठाने के लिए तो ये किया जा रहा है ना। जैसे सर ने बताया कि उसे चेक ले लेना चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं लेना चाहिए। मेरा ये जो उनकी कंफर्म रहे, उनके दो हाथ है, मेरे चार हाथ होते तो नहीं लेना चेक, नहीं लेना। ये जमीर का सवाल है अपने हिंदुस्तान के, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे, उनके लिए तो एक गुरु एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम हिंदुस्तान, क्या ये एग्जाम्पल सेट करेंगे? दूसरे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए उनका मोरल टूट रहा है। ये सवाल उनकी एक एकेडमी का नहीं है, ये सवाल पूरे हिंदुस्तान का है। वो हाथ मिलाइए भाई। हेलो, सुपर सुपर, बैठिए बैठिए। आप जरा माइक ले लीजिए प्लीज। हेलो, आपकी तारीफ। सीमा फ्रॉम मुंबई। हाय सीमा, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मेरा लड़का खुद क्रिकेट खेलता है। ओके। बच्चे जितना ट्रस्ट माँ पे करते हैं उतना ही ट्रस्ट वो अपने गुरु पे करते हैं, क्योंकि वो मांगते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कोच के जमीर के नाते उन्होंने वो चेक नहीं लेना चाहिए। सर ने कहा था कि ये जो सिखा रहा हूँ ये मेरी साधना है। हाँ। तो वो चेक नहीं लेंगे क्योंकि उनको पूरा अपने शिष्य पे भरोसा है कि वो मेरा नाम रोशन कर देगा। वाह। और कभी गलत काम नहीं करेंगे ऐसे। जरूरत अक्सर जज्बातों पे हावी हो जाती है। आइए देखते हैं कोच विक्रांत के साथ आगे क्या हुआ। बिल्कुल सही फैसला किया आपने। देखना, आपका यह फैसला आपकी जिंदगी बदल देगा। ये फैसला मैंने मेरे लिए नहीं लिया है,
इस एकेडमी में बहुत सारे लोग बगैर सैलरी के काम करते हैं मेरी खातिर. कितने बच्चे हैं जो भूखे खेलते हैं. अब मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा. न्यूट्रिशन पैड किट्स मैं जो चाहे ले सकता हूं. ये फैसला उनके लिए है. ओके मेजॉरिटी 4-5-6 लोगों के अलावा बाकी सब कह रहे थे कि चेक नहीं लेना चाहिए. आप इतने विश्वास के साथ कह रही थी कि वो नहीं लेगा चेक. आपने फैसला ही सुना दिया था. उसने चेक ले लिया. अब क्या थॉट है आपका? नहीं, एक सच्चे गुरु है तो नहीं लेंगे. लेकिन अब ले तो लिया है ना. नहीं पर गलत है ना. उस बच्चे का क्या है जो गरीब है. वो मेहनत किया, इतना भरोसा था गुरु पे. ये साधना नहीं है फिर. गुरु के लिए ठीक नहीं है. What is a palace without the king? एक कहावत है. आज उनके पास पैसा आ गया बट ऐसे कितने जीतू होंगे जो भरोसा उठा दिया होगा उन्होंने. वो आने ही नहीं वाले वापस. तो आज अगर वो किसी को काम करने के पैसे भी देंगे तो जो ईमानदार लोग है वो ऐसे रिश्वतखोर बिजनेसमैन टाइप माइंडेड के पास जाएंगे जो प्रैक्टिकल सोचते हैं. लोगों के सपनों का क्या? वो एक अकेला क्वेश्चन होगा लोगों के माइंड में आज. ओके कौन कौन है यहां पर जिन्हें लगता है कि कोच ने विक्रांत ने सही किया है? बस उतने ही लोग. इनको जरा माइक दीजिए फिर से. जी हर कोई लोगों को तकलीफ होती है और तकलीफ में आज मैं भी हूं या कोई भी जो भी इंसान तकलीफ में रहेगा. तो क्या ये डिसीजन ये है कि आप करप्ट हो जाओ? एक 2-5 फैमिली बोले कि किसी को सैलरी देना है इसलिए मैं ये चेक एक्सेप्ट कराओ. तो क्या 2-4 फैमिली के लिए आप ये एग्जांपल सेट करोगे कि ये हिंदुस्तान है हमारा? सबका मोरल टूट गया है. जैसे अभी मेरा मोरल टूट गया कि इसी तरह का हिंदुस्तान है. मगर मुझे नहीं लगता कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है. ओके थोड़ा आगे देखते हैं क्योंकि अभी कहानी सिर्फ शुरू हुई है. अभी थोड़ा आगे जाके शायद उतना ही गंभीर क्रॉसरोड और फेस करेंगे हम सब और उसके बारे में चर्चा करेंगे. फिलहाल आगे की कहानी देखिए. सुग्रीव ने कमाल कर दिया. वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया. सुग्रीव
सर आपने कभी सोचा था कि आपका कोई शागिर्द इस मुकाम तक पहुंचेगा? आपको कब पता चला कि सुग्रीव ना केवल एक अच्छा बैट्समैन है बल्कि एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है? सर आपने सुग्रीव के साथ कोच करते हुए आपको कब महसूस हुआ सुग्रीव के अंदर इतनी पोटेंशियल है? देखिए ये बहुत खुशी की बात है और एक कोच के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। उसने हमारी अकेडमी का नाम भी रोशन किया है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू। सुग्रीव का क्रिकेट का सफर इसी ग्राउंड से शुरू हुआ। इसी विक्रांत क्रिकेट क्लब में उसने बचपन कैसे हो सुग्रीव? ऑल वेल सर, सब कुछ ठीक है। आप बताइए, इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई आपको? याद तो भाई तुमको सारा देश करता है और हर रोज करता है, और मुझे ही नहीं पूरे देश को तुम पे गर्व है। हाँ हाँ बोलते रहिए ना, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए। जितेंद्र याद है तुम्हें? जितेंद्र? जीतू? अच्छा, वो अपना स्ट्रेट ड्राइव वाला? हाँ याद है, याद है, उसे कैसे भूल सकता हूँ। अभी तक खेल रहा है? हाँ, जोश उसमें आज तक वही है। एक रिक्वेस्ट थी तुमसे सुग्रीव। हाँ हाँ बताइए। सुग्रीव तुम अब इंडिया टीम के कैप्टन हो गए हो, तुम्हारे पास पूरी अथॉरिटी है किसी भी प्लेयर को रिकमेंड करने की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी खातिर तुम जीतू को रिकमेंड करो। बदले में ऑफर क्या है? सुग्रीव, अरे आप तो शॉक हो गए। मुझे तो लगा था कि अब तक आप शॉक प्रूफ हो गए होंगे, राइट? मतलब ये डील करने की आदत तो आपकी पुरानी है ना? हाँ, मेरे डैड के साथ भी तो आपने डील की थी, उनसे पैसे लेकर आपने मुझे रिकमेंड किया था, भूल गए क्या? हाँ तो बस मैं भी वही कर रहा हूं, आप ही से सीखा है ये, ऑफ द फील्ड भी। आपका काम हो जाएगा। ऑफर बताइए क्या है। ऑफर करने के लिए मेरे पास है ही क्या? जो पैसे तुम्हारे पिता ने दिए थे वो सारे एकेडमी पे लगा चुका हूँ मैं। हाँ हाँ वन सेकेंड, एकेडमी है ना, उसे मेरे नाम कर दीजिए। सुग्रीव लेकिन लेकिन वेकिन का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे ये तो सुग्रीव के कोच है। अरे सुग्रीव इनकी वजह से ही तो आगे बढ़ा है। हाँ हाँ गुरु का ही तो हाथ होता है। और हाँ, मेरे सक्सेस होने का जो बेफिजूल में आपको क्रेडिट और लाइमलाइट मिल रहा है ना, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा और क्रिकेट को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दीजिए। और अगर आज आप ये मुझे प्रॉमिस करते हैं तो कल जीतू इंडियन टीम में होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी जब दोहराए पर खड़ी होती है, हर एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। और शायद आज ये कोच विक्रांत को समझ आ रहा है, पर पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों को, क्या किसी को भी लगता है कि
सुग्रीव को जिस तरीके के मौके दिए गए और अब सुग्रीव ने जो किया है, क्या सुग्रीव एहसान फरामोश है? मेरे हिसाब से वो अपने गुरु को गुरु कभी मानता भी नहीं था। अच्छा। आज विक्रांत जी होते या कोई और, उनके डैड को तो सिर्फ वो डील करनी थी। और अभी तो उनका जो पूरा एकेडमी है वो नाम पे करने बोल रहे हैं। तो अब आगे क्या, आज जीतू गया हाथ से इंडियन टीम के, और मेरे को तो ये भी लगता है कि और आगे पैसे देके ही वो शायद कैप्टन बने होंगे। उसके आगे तो और कुछ है नहीं, क्योंकि उतना टैलेंट तो उनमें था नहीं, हम सबने इधर देखा। तो शायद अभी अच्छाई तो खत्म हो गई है। फिर वो प्राउड पहले से था ना, वो अमीर घर का था, उसको इतना कुछ नहीं डिजर्व नहीं करता था जितना कि जीतू करता था। तो ये बात सर को भी पता है, सर ने जो कदम उठाया वो गलत है। मैंने कहा था ना पहले भी, अप एंड डाउन तो आते रहते, अब सर पछता रहे। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे वाले हैं वो लोग का काम हो जाता है, गरीब बेचारा पीछे रह जाता है। ओके सर। हाय आंटी जी। हेलो, आप शुरुआत से चुप बैठी है, कितनी क्यूट लग रही है आप ऐसे शर्माते हुए। मैं काटता नहीं हूँ, मैं आपके से दूर रहूंगा, मैं पास भी नहीं आऊंगा, ठीक है? आप अपना नाम बताइए। ज्योति बेन। ओके, आप बताइए अपनी राय। पैसा तो लेना ही नहीं चाहिए था पहले से। अच्छा, आपको ऐसा लगता है पैसों से जमीन ईमान सब कुछ खरीदा जा सकता है? नहीं, इज्जत भी एक बार गई तो फिर खत्म। इसमें तो ऐसा साबित हुआ। ओके, हाँ, आपने अभी तक कुछ बात नहीं की, इनको माइक दे दीजिए। हाय। हेलो सर, मेरे साथ भी सर ऐसा हुआ था कि मैं, क्या हुआ था? मैं क्रिकेटर हूँ। Okay. मेरा क्रिकेट खेलता भी था। हाँ। लेकिन पैसे की वजह से मैंने नहीं खेला, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट में मैं जब सिलेक्शन देने गया था तो उस समय कोच ने मुझे पैसा मांगा, तो मैंने बोला मेरे पास अभी नहीं है, तो बोला ठीक है वेट करो। मैंने अपना बेस्ट दिया था, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लिया था। अभी इंडिया में इतना करप्शन हो गया है कि उसकी वजह से ये सब चल रहा है सर। वो ये नहीं बोल सकता कि गलत किया गया अच्छा किया, लेकिन ये करप्शन की वजह से सर हो सकता है। आपके पास अगर पैसे होते तो आप क्या करते? मैं बेस्ट खेलता हूँ तो मैं चाहते कि मैं आगे आ सकता था। ओके, थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, देन वी विल टॉक अगेन। देखिए, ठीक है, मैं एकेडमी तुम्हारे नाम कर दूंगा। ओके, और दूसरी शर्त वो भी मुझे मंजूर है। आज से मैं कभी कोचिंग नहीं करूंगा और क्रिकेट से भी हमेशा के लिए दूर चले जाऊंगा। तो फिर ये समझिए कि जीतू को मैंने इंडियन टीम में ले लिया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सर, मुझे से कभी सिलेक्शन हो सकता है। अब अच्छे से खेलना। हाँ सर, मेरे पास जो था ना मैंने सब तुम्हें दिया, अब आगे तुम्हारी मेहनत है। आप देखना सर, मैं ना पूरा जी जान से खेलूंगा सर, बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बस बस बस। Thank you.
हेलो सर, कैसा लग रहा आपको ये बोर्ड? खुशी नहीं हुई आपको? बहुत चोट लगी है ना आपको दिल पे? मुझे इससे भी बुरी चोट लगी थी उस दिन। पापा प्लीज, आप विक्रांत सर से दूर ही रहें। बहुत अच्छे कोच है वो, आप उन्हें ही डिसाइड करने दीजिए ना कि किसे सेलेक्ट करना है और किसे नहीं करना है। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। पापा आप उन्हें नहीं जानते हैं, वो आपके इन ऑफर्स के ना बियॉन्ड हैं। वो मर जाएंगे लेकिन क्रिकेट के साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप अपना ऑफर लेके उनके पास जाएं और आपके मुंह पे ठुकरा दें और आपको शर्मिंदा होना पड़े। देखो सुग्रीव, यहां हर इंसान अपना प्राइस टैग साथ लेकर आता है। मुझे सिर्फ तुम्हारे कोच का प्राइस टैग जानना है। इज दैट क्लियर? उनका प्राइस टैग? हाँ, वो तो आपको सपने में भी नहीं मिलेगा। एक मिनट सर, मुझे लगता था कि मैं आपको जानता हूं, पर मुझे कहां पता था कि आपके पास ऐसी भी एक गुगली है। कहां पता था मुझे? नो, जीतू की तो मैं हमेशा से मदद करना चाहता था, लेकिन आप, आपकी कभी नहीं। आपने तो सरेआम अपना सौदा करके खुद को कोच कहलाने के लायक भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ सर, दर्द हो रहा है आपको? किस बात का दर्द? तुमने तो मुझे गुरु दक्षिणा दी है। गुरु दक्षिणा? बिन मांगे तुमने मुझे तीन तीन गुरु दक्षिणाएं दे दी हैं सुग्रीव। आज तुम इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हो, ये मेरी पहली गुरु दक्षिणा है तुम्हारा सक्सेसफुल होना। पिछले 3 सालों से मैं हर पल अपने आप को कोस रहा था, खुद को दोषी मान रहा था एक टैलेंटेड प्लेयर के सपनों को चूर चूर करने का। तुमने जीतू को इंडियन टीम में लेकर मुझे दूसरी गुरु दक्षिणा दी है। जिस दिन से मैंने क्रिकेट से गद्दारी की थी ना, मैं उसी वक्त सजा के लायक हो गया था। और ये सजा मुझे कब मिलती? जब मुझसे कोई मेरी जिंदगी छीन लेता। और मेरी जिंदगी क्रिकेट है, जो आज तुमने मुझसे लेकर मुझे तीसरी गुरु दक्षिणा दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुग्रीव। रिटायरमेंट के बाद यहां आकर बच्चों को ट्रेनिंग जरूर देना, लेकिन मेरी तरह कभी भी अपने जमीर से समझौता मत करना। गुड लक। तो अब सबको कैसा लग रहा है? माना कि उन्होंने अपनी जमीर बेच दी थी स्टार्टिंग में जी। हम सब ने देखा, वो बहुत हर्टिंग था। जिन लोग को नहीं चाहिए था कि वो चेक ले, बट लास्ट में जो उन्होंने शिक्षा दी थी अपने बच्चों को ईमानदारी की, वो लास्ट तक रही। तो लास्ट में जमीर बिके या कुछ भी, एक कोच होता है जो वो दिल से सिखाए, जो वो इज्जत से सिखाए, वो कभी जाती नहीं है। थैंक यू। सॉरी सर, अगर मैं आपको लगे कि मैं यू टर्न ले रहा हूँ, कि जो उनकी तकलीफ थी वो अभी मुझे समझ में आ रहा है। ये जो एंडिंग स्टोरी में मुझे ऐसा लग रहा है, अभी फील हो रहा है कि शायद उनकी जगह मैं होता तो मैं शायद इसी तरह का वर्ताव करता, इसी तरह ही मैं दोनों शिष्यों के साथ ये करता, और इसी तरह मैं अपना गुनाह जो हुआ है, जो कर्म मेरे हो गए, उनको मैं सुधार लेता। तो मैं आई सैल्यूट इस कोच, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में हो, और मुझे फक्र भी हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कोच है और ऐसे कोच रहेंगे। वेरी वेल सेड। बहुत मुश्किल होता है कैमरा के सामने, सबके सामने, देश के सामने स्वीकार करना कि मेरी सोच पहले गलत थी और अब मैंने सोच बदल दी है। आप बहुत बड़े इंसान हैं, थैंक यू फॉर दैट। सुग्रीव ने मदद करने की कीमत के रूप में चाहे कोच विक्रांत की जिंदगी ही क्यों ना ली हो, लेकिन जरा सोच के देखिए,
क्या होता अगर सुग्रीव जीतू की मदद करने से मना कर देता, या क्या होता अगर सुग्रीव उस लेवल पे ही नहीं पहुंच पाता कि जीतू की मदद कर सके। कोच के फैसले की वजह से जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग था उसे कभी भी मौका नहीं मिलता। मजबूरियां चाहे जो भी हो, सही क्या है ये जानते हुए भी जब आप वो फैसला नहीं लेते हैं तो गिल्ट में रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरी बात मानिए, गिल्ट में जीना और घुट घुट के मरना ऑलमोस्ट बराबर का होता है। कोच विक्रांत को तो अपने गिल्ट से निकलने का मौका जिंदगी ने दे दिया, लेकिन सबको जिंदगी ये मौका नहीं देती। मैं विश करता हूं आपका कोई फैसला आपको किसी गिल्ट में ना डाले। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और कुछ नए क्रॉसरोड्स पर। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.